आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती देने के ऐलान के बाद विरोधी नेता तिलमिला चुके हैं। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस मुद्दे पर कहा कि बिजली 3 रुपए क्यों सस्ती की, इसे 5 रुपए कर देना था, लोगों को सीधे बिजली बिल से छुटकारा मिल जाता। जी हाँ, बीते 4.5 साल से खुद वित्त मंत्री से लेकर सीएम खजाना खाली होने की बात करते हैं, अब 2 माह में खजाना कहां से भर गया। सुखबीर ने 3 रुपए बिजली यूनिट सस्ती करने के फैसले को चुनावी स्टंट करार देते हुए पंजाब को बर्बादी की तरफ धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं कि ये घोषणा एक लॉलीपॉप की तरह है। सुखबीर बादल ने कहा कि इस समय पंजाब सरकार को पावरकॉम का लगभग 7,000 करोड़ रुपए देना है, जबकि नई घोषणाएं के लिए 5,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया है। ऐसे में सीएम बताया कि 12,000 करोड़ रुपए कहाँ है। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।